हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट. माई सेल्फ फीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. जी हाँ, ये टॉपिक कह लो, क्वेश्चंस कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ये कर लिया तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा. आप आराम से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो. जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आप कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स लाओ तो आपको ये टॉपिक सारे आने ही चाहिए. तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, राइट. तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कंपनी. कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी क्या होती है उसके बारे में, उसके टाइप्स आपको पढ़कर जाने होंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या हैं, और साथ में आपको कन्वर्जन, जैसे कि वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ केस बेस्ड, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि केस बेस्ड वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप वो भी प्रिपेयर करके जाएं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो. बट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आता है हम लोगों का कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, वो आपका हो जाएगा. और साथ ही साथ जो है मैं लिख देती हूँ, मैं पर्टिकुलरली कुछ कुछ टॉपिक भी बताऊंगी ताकि फिर बाद में बच्चे ये ना पूछें कि मैम, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बता दिया कंपनी टाइप्स और कन्वर्जन, अब ये ना पूछें कि मैम आपने तो पब्लिक और प्राइवेट बताए थे तो टाइप्स के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है. इसीलिए मैं हर चीज़ आपको साथ बाय साथ क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है. तो उसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे कंपनी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं घुमा करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन, एक्सप्लेन फीचर करेक्टरिस्टिक, तो ये आपको उसके बारे में लिखना है. फीचर्स वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं, प्राइवेट कंपनी पूछ लिया, पब्लिक पूछ लिया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है. प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल पोजीशंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पोजीशंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो आपको ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ के जाना है क्वेश्चन. अब मैं आपको मेन लाइन पकड़नी है कि वो क्या पूछना चाहता है. उसके बाद आता है कन्वर्जन, मैंने आपको बता दिया. आपको शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाएं. टाइप ऑफ शेयर्स जैसे कि बोनस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स में भी पढ़ाया था, बट जब वन शॉट कराऊंगी तो यहाँ पे भी मैं कंप्लीट करा दूंगी. तो ये आ जाता है आप लोगों का. और उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है. जैसे कि राइट हो गया, बोनस शेयर हो गया, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है. इस तरीके आपसे पूछा जा सकता है, तो पढ़ के जाना है आपको. उसके बाद आता है हम लोगों का, इसमें इक्विटी भी आ जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है. मतलब सारे टाइप्स जितने भी हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने ही जाने हैं. अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोगों का डायरेक्टर्स. डायरेक्टर के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्टर की ड्यूटीज़, डायरेक्टर की डिफाइन, डायरेक्टर क्या बताता है, डायरेक्टर की डिफाइन हो गई और ड्यूटीज़ हो गई उसकी. और ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट में भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है डायरेक्टर के बारे में, तो कैसे भी घुमा करके पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आना चाहिए. उसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, कमेटी, ठीक है. ये अच्छे से करके जाना. डिन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर की ड्यूटीज़ के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, मतलब टाइप्स वगैरह भी आप इसके देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है हम लोगों का, इसका तो आप डिफरेंस कर लो, जिस जिसके मैं डिफरेंस बोल रही हूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए करने के लिए, जैसे कि AGM हो गया या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग. इनके अगर आपको बुक में डिफरेंस मिल जाते हैं तो आप प्लीज़ डिफरेंस कर लें, क्योंकि इससे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और बेहतर रहता है, लाइंस भी आपको इजी मिल जाती हैं मीटिंग. और साथ ही साथ आपका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है, जैसे ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल होता है ना, जो मीटिंग के लिए होता है, ऑर्डिनरी हो गया, स्पेशल वाला हो गया, जितने भी टाइप्स हैं इसको ज़रूर से ज़रूर देख लें, मतलब ज़्यादातर वो टाइप्स वगैरह ही पूछेगा. मीटिंग में आप लोगों को, मीटिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, जैसे इसके अंदर वैलिड वाला भी आ जाता है, वैलिड मीटिंग, ठीक है. तो यहाँ लिख दिया अलग से मैंने, तो इसको आप कट कर सकते हैं. उसके बाद आता है
सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी भी काफी बार पूछा गया टॉपिक है। ये ज्यादातर टॉपिक इसलिए ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स से भी लिए गए हैं और फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि मैम ये नहीं बताया वो नहीं बताया, इसलिए मैं हर एक चीज क्लियर कर रही हूँ। और डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को जो है ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, बाकी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे लिखने हैं, ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा एनसीएलटी का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, काफी बार देखा गया है ये भी। प्रमोटर्स, प्रमोटर में आपको प्रमोटर की पोजीशन डिफाइन सब आपको अच्छे से करके जाना है, प्रमोटर्स। उसके बाद आता है आपके अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। टॉपिक इसलिए भी ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन एक क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट करके भी अलग अलग टॉपिक पूछे जाते हैं और पूरे एक 15 नंबर का क्वेश्चन या जितने नंबर का भी आपका क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए टॉपिक थोड़े ज्यादा तैयार करके जाने होंगे आप लोगों को। कंपनी लॉ के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हो गया, उसके बाद शेयर्स का मैंने बता दिया, बायबैक ऑफ शेयर्स भी आप कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख ही देती हूँ मैं बायबैक, जो रिपीट हो जाएगा प्लीज उसे स्किप कर देना। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिक्योरिटीज एक बार लिख सकते हैं आप लोग, सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज में आप लोगों को ट्रांसफर हो गई, ट्रांसमिशन हो गया, जो जो आपको टाइप्स दिखते जाएंगे वो आप अच्छे से करते जाना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है हम लोगों का वो है हम लोगों का MOA और AOA, ये तो आप डिफरेंस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लॉज वगैरह हो गए वो सब देख लेना, और ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपको दोनों आंसर आ तो लाइन टू लाइन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हम लोगों का ई वोटिंग वगैरह हो गया, पोल वगैरह हो गया, ये भी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसका तो आप सिर्फ दो दो लाइन भी पढ़ लेंगे तो भी सफिशियंट रहेगा। टाइप्स ऑफ बोर्ड कमेटीज, बोर्ड कमेटीज ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न्स, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने अकाउंट्स में ही आप लोगों को क्लियर करवा दी थी, ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं रहेंगी तो वो बना के लिख सकते हैं, और जिनको अकाउंट्स का थोड़ा बहुत भी याद होगा जो ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें तो आती होंगी। और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर जो है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये भी पहले से, तो आपको वैसे तो जितने भी सेक्शंस है वो आप लिख सकते हो और बाकी और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो बाद में अगर आपको कुछ नहीं भी आता, जैसे OPC AOA, ठीक है, AOA का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा उसके बाद प्रोस्पेक्टस मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले से ही बता दिया है, प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं बताया तो आप लिख सकते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के टाइप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो तो कोई से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज सारे ही पढ़ लेना, रीड कर लेना सारे के सारे, जैसे क्वेरम पूछ लिया या कोई सा भी पूछ सकता है। और काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है कंपनी का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, तो इसको भी आपको स्टेप्स देख लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। और ये मैंने आपको बता दिया है, और वाइंडिंग अप वाले टॉपिक को देख लें, इसको बहुत अच्छे से कर लें। और एक टॉपिक, हाँ एनुअल रिटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप जो है ऑडिटर्स, ऑडिटर वाले को भी बस रीड आउट कर लेना, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को सारा का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया, बाकी जो रह जाएंगे वो वन शॉट में आपके कवर हो जाएंगे। वैसे तो आपका मैंने 100% पूरा का सारा के सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, एक एक चीज़ भी बता दी है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और आपको मुझे लगता है समझ भी आ गया होगा। टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा हैं क्योंकि शॉर्ट नोट से भी काफ़ी सारे लिए गए क्वेश्चंस हैं, ताकि जो बच्चे फुल स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो भी ये वीडियो देखकर जा सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो अगर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लें, आपका काम हो जाएगा। और जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो वन शॉट तो देखेंगे देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।